तो आपका स्वागत है आपने अपने चैनल पर बींग टीचर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एच यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का सलेबस एम का जो कि दो साल का प्रोग्राम होता है बेसिकली uh, आज हम इसमें सब्जेक्ट्स uh, करेंगे uh, डिस्कस जिसमें आप uh, कौन कौन से सेमेस्टर वन में कौन सा होता है सेकेंड में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड में कौन से होते हैं फोर्थ में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेजर्टेशन के बारे में तो आइए शुरू करते हैं पहला सेमेस्टर डिस्कस करते हैं पहला सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे पहला सेमेस्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पेपर वन उसका नाम है फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये आपके जो है हंड्रेड मार्क के रहेंगे क्वेश्चन ये जो पेपर्स हैं आपके सो फर्स्ट पेपर जो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रहेगा डेवलपमेंट एंड लर्निंग थर्ड पेपर की बात करते हैं लॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फोर्थ रहेगा स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च इसके बाद आपका प्रैक्टिकलम फील्ड uh, वर्क रहता है उसका uh, जो है वो आपको फील्ड वर्क करना होगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो चार सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस करें ये सारे हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर uh, में जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट रहेगा उसमें सेकेंड जो सब्जेक्ट रहेगा सेकेंड सेमेस्टर में वो रहेगा पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक बेसिस ऑफ एजुकेशन थर्ड पेपर रहेगा टीचर एजुकेशन वन इंस्टी इंस्टीट्यूशन्स सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स इन टीचर एजुकेशन ये आपका थर्ड पेपर रहेगा फोर्थ पेपर रहेगा आपका इंट्रोडक्शन एजुकेशनल इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल स्टडीज़ ये जो है ये भी आपके हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे जिसमें से ट्वेंटी मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में रहते हैं और एट्टी मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहता है और दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इन सब के जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो नोट्स आपको चाहिए होंगे वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं आप उसके लिए हमारे को इसमें जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके वहाँ से आप आ, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा सेल्स पर्सन जो है वो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे इसके हिंदी के और इंग्लिश के दोनों नोट्स प्लस अगर आपको ये सलेबस चाहिए ये सलेबस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा beingabestteacher.com पे बेस्ट टीचर डॉट कॉम पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से भी जाके विज़िट ज़रूर करिएगा आगे बढ़ते हैं आगे आ, थर्ड सेमेस्टर डिस्कस करते हैं थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर रहेगा वो रहेगा टीचर एजुकेशन सेकेंड करिकुलम पॉलिसी प्रैक्टिकल्स एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये भी दोस्तों आपका हंड्रेड मार्क का पेपर रहता है नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं करिकुलम स्टडीज़ ये भी आपका हंड्रेड मार्क्स का रहेगा थर्ड पेपर की बात करते हैं लाइफ स्किल्स एजुकेशन और फोर्थ पेपर जो रहेगा वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रहेगा ठीक है आ, ये था आपका थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ सेमेस्टर में से एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग्स लिखा हुआ है तो एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग्स आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ देता हूँ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग्स का आपके पास चॉइस आएगा तो पहला पेपर जो इसमें रहेगा वो रहेगा करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट सेकेंड जो रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप थर्ड रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग और जो लास्ट सिलेबस लास्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन दोस्तों ये आपके चार पेपर फोर्थ सेमेस्टर में रहेंगे ये हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के होते हैं इसके बाद आपका जो रहेगा वो रहेगा डेजर्टेशन नाउ डेजर्टेशन की जहां हम बात करते हैं डेजर्टेशन एक ऐसा एक ऐसा डेजिटेशन जो प्रिपेयर करना होता है आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए अपने कॉलेज की तरफ से उसके लिए आपको कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी कई चीज़ें आपको आनी चाहिए वो सारी क्लासेस के लिए आप हमारे को अ बेस्ट टीचर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उसका लिंक आपको जो कांटेक्ट करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी क्लासेस जो हैं वो मिनिमम प्राइजेज़ में आपको डेजर्टेशन की क्लासेस हम देते हैं कि बनाना कैसे है डेजर्टेशन और किस तरह से जो है वो आप डेजटेशन uh, अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डेजिटेशन uh, की क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं आगे इसके जो नोट्स हैं इन सब सेमेस्टर्स uh, में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब के नोट्स जो हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में तो उसके लिए आप हमारे सेल्स पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं uh, उसका व्हाट्सएप का लिंक जो है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा वहाँ आपको यूनिवर्सिटी uh, का सिलेबस जरूर मिलेगा सो so, uh, दोस्तों आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स एंड फॉर योर सेमेस्टर्स धन्यवाद जय हिंद